ट्रेडर्स, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और फिर उस ट्रेड को मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि उसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने वहां पे क्यों लिया है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे इस वीडियो में आए कि आपके यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी मिल जाएगा या मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा, तो आप गलत जगह पे आए हो। आपके यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है। आपको इस वीडियो पे प्योर प्राइस एक्शन का नॉलेज मैं दूंगा जो एक्चुअली मार्केट में वर्क करता है। तो अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस और आप एक सीरियस लर्नर हो तो ही आप इस वीडियो में रहना, कोई शॉर्टकट आपको इस वीडियो पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल लगाया है पीछे देखकर, अगर मुझे सही एंट्री देगा तो इस पे मैं डाउन की ट्रेड लूंगा। एंट्री ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगानी थी। ठीक है, लेकिन ये अब शायद एंट्री नहीं देगा क्योंकि मैं ओके, तो एंट्री नहीं मिली। ओके, कोई बात नहीं। अगर ये मुझे ये लाइन के ऊपर एंट्री देता तो मैं इस पे डाउन की ट्रेड लगा लेता, लेकिन मैं आप लोग से बात कर रहा था तो फिर मैंने ये ट्रेड देखा नहीं। यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनती है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझा दूंगा। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको वीडियो के आगे मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ले ली है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आता है, और जब ये ट्रेड विन हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसका लॉजिक समझाऊंगा। तो मैं अब इस ये जो ट्रेड हमारी विन हुई है, मैं उस ट्रेड का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आपको पेन पे ले जाकर एक एक पॉइंट अच्छे से समझाता हूँ। आपको इस वीडियो में वो लर्निंग मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं कि मैंने इस ट्रेड को लेने से पहले क्या क्या सोचा। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीनशॉट लेके पेंट पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस वाले कैंडल पे ट्रेड की, ये जो लास्ट वाला रेड कैंडल है, और मैंने ये भी बोला था कि मैं इस वाले रेट पे भी ट्रेड करता, बट मैं वहां पे नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहां पे जस्ट मार्केट में ही आया था और मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था, इसलिए मैं ये ट्रेड मेरा मिस हो गया। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ ये दोनों ट्रेड मैंने क्या देख करके लिया, यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया। केवल ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एसएनआर देख के लगा लिया, केवल ये नहीं होता है गाइज, आपको समझना पड़ेगा। केवल एसएनआर लगा लेने से, वहां पे फिर रिवर्स लेने से ऐसे कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, इतना इतना आसान होता तो हर कोई ट्रेडर होता। उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि इसी एसएनआर से मार्केट क्यों रिवर्स हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। प्लस अगर आप स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो या फिर इंडिकेटर ढूंढ रहे हो तो आप ये सब बंद कर दो, क्योंकि न्यूबी लोग क्या होता है, उन्हें शॉर्टकट चाहिए कि मुझे कुछ शॉर्टकट मिल जाए और मैं आज ही ट्रेडिंग से बहुत सारे पैसे कमा लूं। तो अगर आपका अभी ये माइंडसेट है तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 लाख रुपए जब आपका लॉस होगा तो उसके बाद ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर लोग क्या है स्ट्रेटेजीज के पीछे ही भागते हैं, और हम लोग अपने चैनल पे केवल लर्निंग देते हैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन लर्निंग। इसलिए हमारे चैनल पे आप देख सकते हो सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज भी कम है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटेजी नहीं देते हैं। अगर हम लोग अभी स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाने लग जाए तो आप देखोगे हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, बट हमें व्यूज के लिए वो नहीं करना जो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं जो रियल मार्केट में काम करता है। आपको भी प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आप देखो लॉजिक क्या है। देखो, सबसे पहले ना हमें ये जानना है कि मार्केट कहाँ पे जाना चाह रही है, मार्केट किस दिशा में जाना चाह रही है, आपको सबसे पहले ये पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं जानते हो मार्केट किस दिशा में जा रही है, तो आप ट्रेड किस बेसिस पे लेते हो, आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप मार्केट का देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में हर चीज डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको हमसे लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे हम लोग उतना सब कुछ नहीं समझा सकते हैं एक वीडियो में। अगर आपको हर एक टॉपिक डिटेल में जानना है, पूरा प्राइस एक्शन सीखना है, तो उसके लिए हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो कमेंट पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मार्केट वो कुछ इस तरीके से जाती है, इसको हम हायर हाई हायर लो बना रही थी, तो यहाँ से मार्केट अगेन यहाँ से कहीं हायर हाई बनाते हैं। ठीक है, तो मार्केट को अगर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना था तो मार्केट को ऐसे मूव करना था, ऐसे थोड़ा सा नीचे आना था फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाना था। ठीक है, मार्केट को इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना था, लेकिन यहां पे मार्केट से क्या गलती हो गई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया लास्ट हायर लो को। ये है हायर हाई, ये है हायर लो, लास्ट हायर लो को ब्रेक कर दिया। और जब भी मार्केट ये करता है तो
तो इसका जो स्ट्रक्चर चेंज होती है, ठीक है। अब ये हाइयर हाई क्या है, हाइयर लो क्या है, ये ब्रेक कर दिया तो क्या होता है, ये सब अगर डिटेल में जानना है तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट आप कर लो, ठीक है। हमें कॉन्टेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, आपको एक ही चीज सिखाएंगे लाइव क्लास में, ठीक है। उसका आप तो उसका हमारी लाइव क्लास का अगर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से डाउन ट्रेड स्टार्ट होने वाला है। तो डाउन ट्रेंड का जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से मूव करता है, हल्का नीचे आएगा फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर हल्का सा ऊपर जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, डाउन ट्रेंड का ये मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मुझे लगा, तो मैंने समझ मुझे समझ आ गया, इस लूप ने मुझे कंफर्म कर दिया कि यहाँ से डाउन ट्रेड स्टार्ट होने वाला है। फिर यहां से मुझे पता था ये हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर ये मार्केट नीचे ही की तरफ जाएगा, मुझे यहां से कंफर्मेशन मिल चुकी थी। अब देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आया, ये ग्रीन कैंडल लो बना के आया है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये लो बनाकर आया है। अब जब भी कैंडल ऐसे लो बनाकर आता है इसका मतलब होता है कि सेलर आएंगे कहीं ना कहीं से। उसके पीछे का लॉजिक क्या है डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो उसके लिए आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि सेलर आएंगे, अपने घर से आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं सेलर का घर ढूंढने लगा, सेलर का घर कहाँ है। सेलर का घर यानी कि रेजिस्टेंस लेवल, जहां से सेलर एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिला, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, तो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। क्योंकि देखोगे यहाँ से कितना स्ट्रॉन्गली सेलर ने एंट्री ली है, कितना स्ट्रॉन्गली लिया है सेलर ने एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल आया और वीक हो गए, तो ये ग्रीन कैंडल हमसे ये कहना चाह रहा है, पहला कैंडल ने कहा सेलर इंटरेस्टेड है क्योंकि इसने लो बनाया, दूसरा कैंडल और वीक हो गया, यानी कि बायर हमसे कहना चाहते हैं मैं वीक हो चुका हूं, मैं हार मानते जा रहा हूं, क्योंकि बायर्स की बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए मैंने इस कैंडल में कहा था कि जैसे ही ये इस लेवल पे पहुंचेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन की ट्रेड लगा दूंगा। लेकिन ये कैंडल मिस हो गई क्योंकि मैंने वहां पे वीडियो स्टार्ट ही किया था, वीडियो मैंने स्टार्ट ही की थी और मैं आप लोग से कुछ कुछ बातें कर रहा था, उस समय ये कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, तो मेरा ध्यान नहीं गया और ये कैंडल हमसे मिस हो गई, तो इसलिए मैं इस पर ट्रेड करता। अब नेक्स्ट पे मैंने क्या कहा था, मार्केट अब डाउन ट्रेंड होने वाला है, और डाउन ट्रेंड कैसा होता है, इस तरीके से होता है, लोअर लो ये हो गया, लोअर लो ये हो गया, लोअर हाई, इस तरीके से लोअर लो, इस तरीके से डाउन ट्रेंड बनता है, इस तरीके से हल्का सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। और मुझे यहाँ पे कंफर्म मिल चुका है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो डाउन ट्रेंड का ये क्या मूवमेंट होगा, यहाँ पे नीचे गया अब हल्का सा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ये है डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन, ठीक है, डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन। और ये दो में बायर्स भी डिक्रीज हो गया और सेलर इतना स्ट्रांग होकर आ रहे हैं, तो इसने मुझे और कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब यहाँ से पक्का डाउन ट्रेंड ले जाएगी, इस तरीके का मार्केट अब मूवमेंट फॉलो करने वाली है, ठीक है। और इस कैंडल ने इनगल्फिंग भी मुझे दिया है, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पे अगेन डाउन की ट्रेड ली। इतने सारे लॉजिक मैंने इतना टाइम में देखा, मैंने इतना जल्दी कैसे लॉजिक इतना सारा पकड़ लिया, वो सब देखो प्रैक्टिस से आता है, बट पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे काम करती है। मैं तो आपको इसमें एक एक चीज समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीज आपको समझ में नहीं भी आ रही होगी क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक है, जैसे स्ट्रक्चर चेंज होना, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, मुझे कैसे पता चल गया कि ये बायर्स बताना चाह रहा है कि सेलर आएंगे, वो सब क्या, वो तो एडवांस टॉपिक है। बट आपको समझ में आ रहा हो कि मैं इस वीडियो में जो दे रहा हूँ वो रियल नॉलेज है आपको, आपने पता नहीं इससे पहले ये नॉलेज कहीं आपको मिली होगी नहीं मिली होगी मुझे नहीं पता, बट ये नॉलेज मुझे एक्सपीरियंस से आया है, हमने बहुत टाइम दिया मार्केट में, ठीक है। तो चलो एक ट्रेड और लेता हूं मैं और उस ट्रेड को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। एक ट्रेड और लेते हैं, ओके। तो मैं इस यहाँ पे मैंने मार्केट खोल लिया, देखता हूँ जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है, ओके। अब ये ट्रेड को विन होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। देखो कितनी इजिली विन हुई है ये ट्रेड, तो मैं अब इसका स्क्रीनशॉट लेके पेंट पे खोलता हूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ इस ट्रेड का भी, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे इस रेड कैंडल पे ट्रेड ली थी जो कि आपके सामने भी विन भी हुई,
मैंने क्या मार्केट में जाते ही इतना जल्दी मैंने रीड कर लिया, जो मैंने डायरेक्ट इस पे ट्रेड लगा दी, क्या मैंने देखा? आप लोगों ने मैंने ऐसे ही ट्रेड लगा दिया। मैंने अभी बहुत कुछ रीड किया है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने जाते ही मार्केट के स्ट्रक्चर को देख लिया। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर था हायर हाई हायर लो, तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है, अप ट्रेंड में थी, यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में थी। फिर यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर लिया, डाउन ट्रेंड यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया। अब यहाँ से मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जा रही है, मैंने जाते ही मार्केट ने रीड कर लिया, ठीक है। तो मार्केट का ज्यादा चांस है जब यहाँ से डाउन ही जाने की, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने बायर्स के कैंडल को देखा, ये वाला कैंडल को देखो, ये कैंडल, फिर ये कैंडल सेकंड, और फिर ये थर्ड, ये तीन लास्ट बायर के तीन कैंडल को देखो। अगर आप बायर्स के ये लास्ट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों कैंडल के पावर यानी कि इनके बॉडी को मेजर करोगे, कंपेयर करोगे, तो बायर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, बायर्स जैसे जैसे मार्केट डाउन जा रही है वैसे वैसे बायर्स खत्म हो रहे हैं, बायर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। बायर्स कंटिन्यूअसली अगर तीन कैंडल में डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बायर्स बहुत वीक पड़ते जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मार्केट तेजी से गिरने का, मार्केट का चांसेस और ज्यादा है। और ये मैंने इतना जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि इसको प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है। और ये जो मैंने लास्ट तीन कैंडल कंपेरिजन बताया, ये सब हमारे एडवांस कोर्स का है, ये सब हम लोग एडवांस कोर्स में अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये बायर्स कैंडल एक तो कंटिन्यूअसली तीन कैंडल में डिक्रीज हुआ, ऊपर से ये बायर कैंडल लो बना के आया, लो यानी कि सेलर इंटरेस्टेड है, ठीक है, लो बनाकर डायरेक्ट यहाँ वाले रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज दिया। ये रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग है, कैसे स्ट्रांग है वो सब आप आओ एडवांस क्लास में आपको बताएंगे। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज दिया, ये बायर कैंडल उसी उसी रेजिस्टेंस में क्लोज दिया। तो यहाँ पे तो कितना सारा मुझे कंफर्मेशन मिला, पहला मार्केट डाउन ट्रेंड में है यानी कि सेलर स्ट्रांग है, कोई डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ गिरती तो सेलर स्ट्रांग है। दूसरा, बायर कंटिन्यूअसली तीन कैंडल में डिक्रीज हो रहे हैं यानी कि बायर अपने पावर को खो रहे हैं। तीसरा, ये बायर्स लो बनाकर स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सेलर का घर, वहां से सेलर आते हैं तो सेलर के घर भी ये क्लोज दे रहा है, वीक होकर ट्रेंड डाउन है। तो ये सब देखकर मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी, और ये सब कुछ मैंने रीड किया जाते ही, मैंने इतना कुछ रीड कर दिया, वो एक्सपीरियंस से आता है। और आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड हमारी कितनी अच्छे से विन हुई है, आपके सामने ही विन हुई है, ठीक है। अब आप लोग पता चल रहा हो कि रियल नॉलेज, रियल प्राइस एक्शन किसको कहते हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कोई फेक है कोई है, मुझे बस मेरे नॉलेज पे भरोसा है कि मेरा नॉलेज बाइनरी ट्रेडिंग में बेस्ट है, क्योंकि तो मैंने इस पे काम किया है। देखो प्रॉब्लम ये, न्यूबी लोग फंस के रह जाते हैं, $10 से $100 बनाओ, $100 से $1,000 बनाओ, ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, और न्यूबी लोग उसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको एक सच बात समझना पड़ेगा, जो भी $10 से $100 बना रहा है, या जो $100 से $1,000 बना रहा है, उनके बैंक में लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, उनके पास कोई डर नहीं है वो $100 खोने की। अगर वो उनके $100 लॉस हो भी जाएंगे तो फिर वो दोबारा डाल लेंगे, 3 बार डाल लेंगे, 4 बार डाल लेंगे, वो 10 बार डाल लेंगे, उनके पास उतना पैसा है, इसीलिए वो $100 से $1,000 कर देते हैं। और वो एक बार में नहीं बनता है, 5 बार, 6 बार, 10 बार में ही बनता है, पर जिस बार बनता है वो उसी वीडियो को यूट्यूब पे डालते हैं, और आप लोग क्या हो करते हो, उस वीडियो से अट्रैक्ट हो जाते हो, और फिर अब आपके पास रहता ही है $100, आपके पास उतना ही पैसा है, आप उसको डाल के चाहते हो $100 से $1,000 बना दूं मैं भी एक दिन में, और आप सारा पैसा खो देते हो। आपको ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, पहले ट्रेडिंग को सीखो, सही नॉलेज लो, प्राइस एक्शन सीखो, फिर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ, अपने छोटे अमाउंट को पहले ग्रो करो, जब आपके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, अपने माइंडसेट पे पहले वर्क करो, जब आपके पैसे ग्रो हो जाएंगे उसके बाद आप फिर कंपाउंडिंग करो। ये है ट्रेडिंग का, इसलिए दूसरे किसी से ऐसा अट्रैक्ट, दूसरे किसी को देख के गलत इन्फ्लुएंस मत हो, खास करके न्यूबीज चक्कर में बहुत ज्यादा फंसते हैं। सही नॉलेज लो, आपको जहां ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहां से सही नॉलेज मिलेगा, वहां से आके नॉलेज लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से आके सीखो, आपको जहां से लग रहा है वहां से सीख पहले, ठीक है। अगर आपको हमारी नॉलेज सही लग रही है तो हमसे आओ, कॉन्टेक्ट करो, हमसे बात करो, ठीक है, और हमसे नॉलेज लो। हम लोग लाइव क्लास में नॉलेज देते हैं, केवल नॉलेज नहीं, हम लोग आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम ये होता है कि आप दिन में 100 डाउट पूछो या 50 या 150, वो सारा डाउट आपको 1 घंटा के अंदर क्लियर करके मिल जाता है। तो हमें कांटेक्ट करो इंस्टा पे, जल्दी से कांटेक्ट करो, ताकि हमारी न्यू बैच जब स्टार्ट होने वाली है, तो बैच हमारी फुल होने से पहले हमसे कांटेक्ट कर लो। ओके, तो
तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लगी हो, क्योंकि मैंने इसमें एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि हर कोई लगभग समझ सके। तो बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।